सैफी रोशन ऑफिशियल चैनल। नया दिन नया व्लॉग, मगर आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ना, ये मैंने 40 किलोमीटर की साइकिलिंग के बाद हमने स्टार्ट किया इवेंट में। टाइम चला रमजान का, अगर हो गया है पूरा 40 किलोमीटर ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ गाड़ियां नजर आई मुझे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ी यूनिक यूनिक कार्स आई हुई हैं यहाँ पे, और इन कार्स की जो है ना क्या बॉडी स्टाइल है। इनके अगर नाम आपको मालूम है तो इनके इनके नाम जो है ना आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, कौन सी गाड़ी क्या नाम है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इनका, मगर गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। ये इनके व्हील्स जो हैं, ये पीछे इनके बम्पर्स देख रहे हैं, इनके लोहे के, मुझे मालूम नहीं किस काम के थे ये बम्पर जो लगे हुए हैं लोहे के, क्योंकि पूरी बॉडी तो नीचे कवर है। ये देख रहे हैं ये किस लिए थे, और इधर देखिए एक और येलो कलर में क्या गाड़ी है। इसकी जो है हेडलाइट ऐसे ही ऊपर हो जाती है, सारा मेटल यूज किया हुआ है। ये देख रहे हैं कलर कितना जबरदस्त है, और ये गाड़ी जो है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल कार है। देख रहे हैं ये पता लग रहा है कि पेंट अब जाके हल्का हल्का खराब होने लगा है। ऐसी हमारे पास पीछे खड़ी एक गाड़ी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एम्बेसडर आती थी ना गाड़ी, उस जैसी एक और गाड़ी आती थी छोटी सी, क्या बोलते थे उसको मुझे याद नहीं है, मगर बिल्कुल वैसा ही लुक दे रही है। मगर पीछे से कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, ये जबरदस्त लुक, जबरदस्त गाड़ी। इसका मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ, गाड़ी के साइज देख रहे हैं कितने छोटे हैं। ये इसका फ्रंट, इस पे लिखा हुआ है सिमका। ये देख रहे हैं इनका इंटीरियर दिखाता हूँ, कितना सिंपल होता था, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैनुअल, और ये सिमका 1000 है। और इधर हमारे पास एक बाइक खड़ी है होंडा की, जो कि मैंने आपको, अगर आपने देखा हो मेरा होंडा के शोरूम का जो टूर करवाया उसमें मैंने आपको दिखाई है गाड़ी खड़ी है। और इधर ये बहुत पुरानी गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये 60s 70s, और ये गाड़ी जो है ये 1952 मॉडल, ये उस टाइम की लग्जरीज थी। ये देख रहे हैं क्या अजीब चीज है, उस टाइम डिजाइन किस तरह बनाते थे, क्या सोच के बनाते थे गाड़ी के लिए, वो मैं नहीं कह सकता, मगर वो अलग ही कुछ थिंकिंग थी उस टाइम पे गाड़ी को डिजाइन को लेके, जो इतना हैवी टायर के ऊपर ये, और इधर ये, और इधर बीच में ये पार्ट जो है ये इंजन, 1952 मॉडल है, 173 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, 22 लीटर ये 100 किलोमीटर पर कंज्यूम करता है फ्यूल। इसका इंजन है 4200 cc। और इधर हमारे पास एक और गाड़ी आ गई, ये देखें आगे से ये कितना लंबा है, और पीछे हमारे पास जो है ये पूरा टायर कवर, टायर जो है यहाँ पूरा कवर है, ये देखिए पूरा टायर कवर, अलग ही लुक गाड़ी का। ये ऐसा लग रहा है पीछे से जो है ना गाड़ी झुकी हुई और आगे से उठी हुई है। एक और गाड़ी आ गई अपने पास, ये देखें, मतलब देखेंगे ना सब में जो है ना एक आपको मिलेगा कि अक्सर चीजें या तो बिल्कुल राउंड यूज की है या बिल्कुल स्क्वायर में, जैसे आजकल होता है ना वो शार्प एजेस, बिल्कुल एरोडायनेमिक्स पे बहुत ज्यादा स्टडी की गई है उसके बाद डिजाइन करते हैं, वो चीज इन गाड़ियों में नजर नहीं आ रही। इनमें देख रहे हैं बस ये शेप, ये कटा और ये गाड़ी का डिजाइन बन गया, मगर ये गाड़ियां जो है अलग ही लुक देते हैं आज की डेट में। ये देखें इधर एक और, इन सब के अगर आपको नाम पता है, ये देखे ये मिनी कूपर से मिलती है, मगर मिनी कूपर नहीं है, ये रेनो की गाड़ी है। इधर हमारे पास रेनो की एक और आ गई, जो कि मारुति 100 से मिलती है। चलें कुछ बाइक्स भी दिखाता हूँ, ये देखे ये क्या चीज बन रही है, ये मेरे ख्याल से यहाँ के पहले जो पुलिस थी ना उनको ये बाइक मिलती थी। और ये हमारे पास खड़ी है BMW F900R, ये न्यू लुक और ये ओल्ड लुक, देख रहे। और ये कुछ मैं अजीब चीज दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, इसके ऊपर ना मैं पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। इस बाइक को यामाहा की है, एक है थ्री व्हील बाइक है, काफी जो है ना अजीब इसका लुक है। ये देख रहे हैं सामने से, इधर डबल सस्पेंशन और इधर डबल सस्पेंशन, और बीच में ये हमारा रेडिएटर और ये दो टायर्स। इसको चलाना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, तो इसको एक बार ट्राई जरूर करूंगा और इसके ऊपर जरूर आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसको यह बाइक जो है काफी यूनिक है। इधर हमारे पास ये आ गई BMW, इंजन देख रहे हैं काफी बड़ी इसका जो है सामने से ये फ्यूल टैंक। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, मैंने आपको वो यूनिक गाड़ी दिखानी थी जो मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको दिखाना था, वो एक्सपीरियंस कराना था। आई होप मैं करवा पाया हूँगा, मगर इन गाड़ियों को रियल टाइम पर देखना ना एक अलग एक्सपीरियंस है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए,